प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के मामले में कथित सरगना डॉक्टर जगदीश सागर और परीक्षा बोर्ड के दो अधिकारियों और अन्य के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत चार्जशीट दायर की गई। एजेंसी ने कहा कि सागर के अलावा श्री अरविंद आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी और व्यापम अधिकारी डॉक्टर पंकज त्रिवेदी और नितिन मोहिंद्रा को अभियान पक्ष की 2505 पेज की शिकायत में आरोपी बनाया गया। यह शिकायत यहां विशेष पीएमएलए अदालत में दायर की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस मामले में ईडी का यह फैसला आरोप पत्र है और भविष्य में पूरक आरोप पत्र दायर हो सकता है क्योंकि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी ने बताया कि उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि सागर, भंडारी, त्रिवेदी, मोहिंद्रा आदि एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापम, पीएमटी और प्री प्रीजी परीक्षाओं में उम्मीदवारों का दाखिला पैसा लेकर कराते थे। एजेंसी ने कहा कि छात्रों से हासिल किया गया धन कुछ और नहीं बल्कि इस धन को चारों ने और अन्य ने आपस में बांटा। जांच में सीधे तौर पर खुलासा हुआ कि सागर और भंडारी ने पीएमटी 2012, प्रीपीजी परीक्षा 2012, पीएमटी 2013 में कदाचार का सहारा लेकर गैर कानूनी तरीके से धन हासिल किया और गैर कानूनी तरीके से कमाए गए इस धन को बैंकों में जमा किया और कई संपत्तियां खरीदी।